अस्सलामुअलैकुम यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब कैरियर से होंगे। आज मैं आप लोगों को मज़ेदार चने का पुलाव बनाना सिखाऊंगी। पुलाव बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो एक पाव बॉयल सफ़ेद चने, आधा किलो बासमती राइस। इसको पहले पानी से वॉश करके अच्छे से आधे घंटे पहले मैंने इसको पानी में भिगो के रख दिया था। साबुत खड़ा मसाला जिसमें एक खाने का चम्मच जीरा, दो तेज़पात के पत्ते, एक स्टिक दालचीनी की, एक चाय का चम्मच काली मिर्चें, चार से पांच हरी इलायची, एक बड़ी इलायची, इसको ऐसे बीच में से खोल लें, चार से पांच लौंग, दो बादियान के फूल, एक बड़ी साइज़ की प्याज इस तरह से स्लाइस में काट लें, एक चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, दो खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, पांच खाने के चम्मच घी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। पतीली के अंदर पहले हम घी डालेंगे। अब घी के अंदर हम प्याज डाल के इसको गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। प्याज हमारी गोल्डन फ्राई हो चुकी है। अब हम इसके अंदर खड़े मसाले डाल देंगे, जीरा, काली मिर्च, तेजपात के पत्ते, बड़ी छोटी इलायची, ये डाल के थोड़ा सा भूनेंगे। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि हमारे मसाले जले ना। अब हम इसमें नमक और काली मिर्च का पाउडर भी डालेंगे और साथ ही हम चने डाल देंगे बॉयल किए हुए। जब मैंने चने बॉयल किए थे तो इसके अंदर हमने थोड़ा सा पानी रहने दिया था, इससे हमारे चावलों में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। चने डालने के बाद अब हम इसको भूनेंगे दो तीन मिनट तक। चना को दो तीन मिनट भूनने के बाद अब हम इसके अंदर थोड़ा सा चने का पानी डालेंगे। ज़्यादा नहीं डालना वरना हमारे चावल चिपक जाएंगे, सही से खिले खिले नहीं पकेंगे। और साथ ही हम इसमें पानी डाल देंगे। एक बॉयल आने तक हम वेट करेंगे, इसके बाद हम चावल डालेंगे। बॉयल आने के बाद अब हम चनों के अंदर चावल डाल देंगे। पानी हम इसमें इतना रखेंगे कि इसमें हमारे चावल जो हैं वो डिप हो जाए और तकरीबन एक इंच तक ऊपर पानी हो, या फिर अगर आपने दो कप चावल लिए हैं तो चार कप पानी डालिए और फिर से दोबारा ढक के हम पकाएंगे जब तक हमारे चावलों का पानी खुश्क ना हो जाए। फ्लेम हम हाई रखेंगे, चेक कर लेते हैं। चावलों का पानी हमारा खुश्क हो चुका है, देखिए एक बार चम्मच चलाएंगे। और अब हम अपने चावलों को दम पे रख देंगे। नीचे हम तवा रखेंगे पतीली के और फ्लेम हम लो पे करके इसको कवर करेंगे। कोई सा भी आप फॉइल पेपर ले लें या फिर रोटियों का रुमाल ले लें, उस तरह इसको ऐसे कवर करें। ढक्कन रख के 10 मिनट तक हम दम पे रखेंगे अपने पुलाव को, उसके बाद हम चेक करेंगे। लीजिए व्यूअर्स, मज़ेदार चने का पुलाव हमारा रेडी है। तो मेरी ये कैसी लगी रेसिपी आपको, कमेंट्स करें, लाइक करें वीडियो, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। जल्दी हूँ दोबारा हाजिर होंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।